नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज एग्ज़ाम 28 जनवरी 2024 की आंसर की आ चुकी हैं। ये किसी मित्र का पेपर है जिन्होंने ए सीरीज का पेपर हमें भेजा है, और ए सीरीज में आप सभी अपना अपना पेपर खोल के बैठे। यदि आपके पास पेपर रहेगा तो आप मैच कर पाएंगे क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, उनमें क्या क्या ऑप्शंस रह सकते हैं। ऐसे करके आप एक एक प्रश्न को मिलाएं, टिक मार्क करें, अंत में ये बताना कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं। आज ही सुबह की क्लास में मैंने बताया था कि यदि पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनानी हो तो Ctrl+D शॉर्टकट काम में लेते हैं। तो इसमें आपने Ctrl+D मुझे उम्मीद है किया होगा, तो बिल्कुल ठीक आपने आंसर किया है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को सेलेक्ट करने के लिए, यानी पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं। कंट्रोल और स्पेस बटन से हम कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न में ए इसका सही जवाब रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं। मित्रों याद रहे, यहां पर पूछ रहा सेव एज। सेव की शॉर्टकट होती है Ctrl+S, और सेव एज की होती है F12। वैसे इसमें F12 तो चार ऑप्शंस में नहीं है, तो यहां पर अब इसका जो है क्वेश्चन डाउट में रहेगा। आपको चार ऑप्शन यहां पर आंसर नहीं दे रखे, तो अभी इस पर डाउट रहेगा और हो सकता है इसमें बोनस आपको मिले। अगला चौथा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। आज ही सुबह मैंने बताया था कि एमएस वर्ड का आपको जरूर एक्सटेंशन पूछेगा, और ये भी बताया था कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन .docx होता है। 2010 का मैंने बताया था, आप सबने सीखा होगा और समझा होगा, तो आपने किया होगा। ऑप्शन ए अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक किया आपने। अगला है, एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए कौन सा चार्ट बनाते हैं। मान लो दोस्तों, दो अलग अलग डेटा सेट है, उनमें आप संबंध यानी आप उनमें कंपेरिजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है बार चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। बार चार्ट इसका सही जवाब रहेगा। अगला है, एक्सेल में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति और बाएं स्तंभ को दृश्यमान रखने के लिए, आज सुबह की क्लास में बताया था कि फ्रीज पेन एक कमांड होती है। फ्रीज पेन क्या करता है, किसी कॉलम या रो को होल्ड कर देता है ताकि हम स्क्रॉल करें ऊपर नीचे, तो वो स्क्रॉल नहीं होता। तो इसका सही जवाब आपने यदि किया है तो ये पूछ रहा है कि दृश्यमान रखने के लिए आप फ्रीज पेन का उपयोग कर सकते हैं। कहां से, पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए, उसके बाद व्यू के अंदर जाइए और फ्रीज पेन पर क्लिक कीजिए। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने के लिए अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है। पावर पॉइंट का प्रश्न है, पूछ रहा है यदि आप अपने पावर पॉइंट स्लाइड शो को दूसरे व्यक्ति के साथ, कहीं अन्य दूर बाहर बैठे हुए व्यक्ति के साथ शेयर करना है तो आप ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है, पावर पॉइंट 2010 में रिबन में स्लाइड जोड़ने हटाने और स्वरूपित आदि करने के लिए हम होम टैब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नया स्लाइड जोड़ना है, स्लाइड को हटाना है, तो आप होम टैब में ये सारी चीजें कर सकते हो। अब देखो, सेम टू सेम जहां पर प्रश्न और ऑप्शंस मिलते हैं, नवा प्रश्न आप देखिए, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम या तो F5 बटन दबाते हैं या फिर स्लाइड शो के व्यू शो विकल्प का भी यूज हम करते हैं, स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो। तो दोनों ए और बी सही है, तो ये सेम टू सेम और चार ऑप्शंस भी सेम अपने ही जो है क्वेश्चंस थे उनमें से ये प्रश्न सेम टू सेम मिला है। दसवां है, सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। चार ऑप्शन सेम मिले हैं, मैंने आपको बताया था वेब क्राउलिंग, इंडेक्सेस, वेब स्पाइडर, सर्चिंग सभी काम में आते हैं, तो इसका सही जवाब ये सभी रहेगा। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, मैंने आपको बताया था, और सेम टू सेम प्रश्न आपका यहाँ पर मिला है 11वें में। बारहवां है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। मित्रों स्कैनर एक इनपुट है, बाकी सभी मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी किसी डिवाइस के एंड में नाम में अगर ER या OR आए, ठीक है, वो आउटपुट डिवाइस है केवल स्कैनर को छोड़कर। अब यहां पर देखो, सभी में ER या OR आ रहा है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर और स्कैनर। अब इनमें स्कैनर को छोड़कर बाकी सभी आउटपुट है। अगला है, OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है, ये OTP जो है इसका पूरा नाम क्या है। सेम टू सेम प्रश्न अपनी जो है वेबसाइट से मिला है, सेम चारों ही ऑप्शन इसमें है, और पूरा प्रश्न ऐसा कैसा है। OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, आपने ठीक किया होगा। अगला,
एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी बटन दबाने पर क्या होता है, सेम प्रश्न मिला है। मैंने आपको बताया था कंट्रोल एक्स तो कट की शॉर्टकट होती है कट करने के लिए, और कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, तो एक्स तो कट और सी कॉपी, ऐसा इसका सही जवाब बी रहेगा। अगला प्रश्न है शिफ्ट प्लस डिलीट, आज सुबह ही बताया था शिफ्ट प्लस डिलीट जो होता है वो परमानेंट डिलीट करने के काम में आता है। दो बार ये प्रश्न रिपीट हुआ था, दो प्रश्न थे इससे संबंधित आज सुबह की वीडियो में। शिफ्ट डिलीट कुंजियां कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और वह रिसाइकल बिन में उपलब्ध नहीं होता, बिल्कुल ठीक है पहला वक्तव्य। दूसरा है विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग-अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयताएं की अनुमति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है वक्तव्य एक और वक्तव्य दो, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण केंद्र कौन सा है, आज ही सुबह बताया था राजस्थान सरकार द्वारा शिकायत निवारण केंद्र का नाम राजस्थान संपर्क पोर्टल है। अगला है इनमें से कौन सा एसएसओ का वैध उद्देश्य नहीं है, एसएसओ क्या काम में नहीं आता, तो मैंने आपको बताया था कि एसएसओ का उद्देश्य लोगों को एक स्थान पर बहुत सारे डेटा उपलब्ध कराने में, डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, राज्य सरकार या फिर सरकार के सभी योजनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की सहायता करता है। यहां पर इसका जो उद्देश्य नहीं है वो है विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाना, इसका कार्य वायरस फैलाना नहीं है। अगला सेम प्रश्न जो हमारी वीडियो से और वेबसाइट से मिला है वो ये है यूट्यूब क्या है, सेम टू सेम चार ऑप्शंस हैं। यूट्यूब क्या है, एक यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। 19वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है, इसका सही जवाब फॉर्मूला होगा और आपने भी यही किया होगा मुझे विश्वास है। 20वां देखिए एक फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं, अपनी वेबसाइट में ये प्रश्न दिया हुआ है, आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया हो तो इसको आंसर किया होगा। अगला है एमएस वर्ड में सबसे नीचे एक क्षैतिज पट्टी होती है उस पर पृष्ठ की संख्या, शब्द की गणना जैसे कई विकल्प होते हैं, सेम प्रश्न मिला है स्टेटस बार कहलाता है। अगला है एमएस एक्सेल में चार्ट के प्लॉट एरिया में जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, देखो आपने टेस्टों में देखा होगा ये सेम प्रश्न था, क्षैतिज लाइनें जो आड़ी लाइनें होती है ना ऐसी, ये लाइनें चार्ट के अंदर उनको ग्रिड लाइन कहा जाता है, आपने आंसर ये ठीक किया होगा 22 में ऑप्शन डी। 23वां है एमएस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज फॉर एनिमेशन पेन इन एमएस पावर पॉइंट 2010, ये आपका प्रश्न है। इसमें आपको ये समझना है कि पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन आपकी स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक लिस्ट दिखाता है, स्लाइड्स की जो एनिमेशन लगे उनकी सूची दिखाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, आपने किया होगा, हमारी वेबसाइट और वीडियो से मिला प्रश्न है। अगला है निम्न का मिलान कीजिए, एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं पहले में आर, एक्सेल में हम सीट बनाते हैं दूसरे में क्यू और तीसरे में पी, तो आर क्यू पी, ऐसा आर क्यू पी ऐसा ऑप्शन सी में है, तो आपने 24 में अगर सी जवाब दिया है तो आपका सही आंसर रहेगा। अगला है हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, आप सबको मालूम है ये प्रश्न मैंने 10 बार रिपीट किया है वीडियोज के अंदर, वाईफाई की कनेक्टिविटी की आवश्यकता उसमें होती है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है ट्रैक बोल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्टोरेज है हार्ड डिस्क, तो यहां पर पहले में पी आर और क्यू, पी आर क्यू आप देखेंगे ऑप्शन सी में सही जवाब है ऑप्शन सी। इमित्र पोर्टल के माध्यम से निम्न में से कौन सा है दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है, आप ई मित्र पर आधार कार्ड बनवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त भी रहेगा। अगला प्रश्न है ओसीआर प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ओसीआर का मुख्य उद्देश्य होता है मानव द्वारा लिखे गए, ठीक है, जो पाठ होता है टेक्स्ट होता है उसको पढ़ने के काम में आता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 28 में। अगला है एमओओसी पोर्टल का मुख्य उदाहरण क्या है, व्हाट इज द मेन एग्जांपल फॉर एमओओसी पोर्टल, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज द फुल फॉर्म फॉर दिस शॉर्टकट एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आर डी ऑप्शन, ये सभी। 30वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है, फिशिंग की एक तकनीक है जिसका उपयोग क्यों किया जाता है, एंटिटी का अनुकरण करने के लिए किया जाता है,
ठीक है, ऑप्शंस हैं स्पूकिंग, एनक्रिप्शन, फायरवॉल या फिर डेटा मास्किंग। और इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है स्पूफिंग। अगला है, एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का यूज क्या है? मित्रों शिफ्ट और F3 हम बटन जब दबाते हैं जब हमें कोई भी फंक्शन इंसर्ट करना हो एमएस एक्सेल में। तो ये सेम प्रश्न अपनी वीडियो से मिला है और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट होती है फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, और शॉर्टकट की का जो वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें भी ये वाला प्रश्न है। 32वां है, क्या एमएस एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण यानी फाइंड और रिप्लेस, आज ही सुबह बताया था कि फाइंड और रिप्लेस दोनों का एक साथ शॉर्टकट पूछे तो आपको कंट्रोल एच बताना है। तो आपका ये प्रश्न आपने ठीक किया होगा, ये मुझे विश्वास है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ABCD ग्रुप चारों की PDF में भी आंसर मिलाना चाहते हो तो आप गूगल में सर्च करेंगे वैकेंसी गुरु, और उस पर आप जाके क्या करेंगे, आप अपना आंसर मिला सकते हो। वैकेंसी ग्रुप पर आंसर की दे रखी है कंप्लीटली, मैंने अपलोड कर दिए वेबसाइट पर, वहां से मिला सकते हो या फिर आप वैकेंसी ग्रुप मोबाइल ऐप से भी मिला सकते हो। 33 क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की जो होती है उसको कंट्रोल शिफ्ट ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरकार अंत में किया गया कार्य पुनः करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, यानी लास्ट टाइम जो आपने कोई कार्य किया उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड दबाते हैं, अंडू करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। और 35वां और अंतिम क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, न्यू वर्कशीट। इसमें बोनस रहेगा मित्रों, इसका आंसर रहेगा नई वर्कशीट लेनी हो तो शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट प्लस F11। इसमें चार ऑप्शंस में नहीं है तो ये इसका आंसर रहेगा शिफ्ट F11, तो यहां पर रहेगा आपके लिए बोनस। ऐसे करके 35 प्रश्न आपके पूरे हुए, कितने प्रश्न आपके सही हैं, क्या क्या आपके कमेंट्स हो सकते हैं आने वाले विद्यार्थियों के जिनके एग्जाम उनके लिए, और आपको ये पूरी सूचना कंप्लीटली कमेंट्स में लिखनी है, जैसा कि मैं आपकी कमेंट्स को निरंतर पढ़ता हूँ, ध्यान में है आपके। और इसी प्रकार आगे और वीडियोस पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।